सो गाइस कैसे आप सभी। आज के हम क्लास में हम बात करें भारत के भूगोल की नेक्स्ट क्लास की, जो हमारे प्रायद्वीप की नदियां के बारे में जो चैप्टर चल रहा है, प्रायद्वीपी नदियां उनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको पिछले चैप्टर में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इनके बारे में पढ़ाया था। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पुराने वीडियो भारत के भूगोल सीरीज की पुराने वीडियो जो है वो क्लासेस अटेंड नहीं की है, आपने नहीं पढ़ा है, तो वो उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां या फिर पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बात करेंगे। तो कॉपी पेन आप जरूर साथ में रखें, आप नोट करते जाएं और अपने नोट्स जरूर बनाएं। उसके अलावा भारत के भूगोल या फिर भूगोल पढ़ने के लिए आपको जो एटलस की जरूरत होती है, मानचित्र बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको क्लियर होता है। जैसे ये मानचित्र यहाँ पर मैंने बनाया है, जिससे आपको क्लियर होता है यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर ये राज्य है, यहाँ पर ये नदियां निकली हुई है, झील यहाँ पर है, ये दर्रा यहाँ पर है, इस अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उनकी सीमा कहाँ, देश है उनकी सीमा कहाँ, किससे लगी हुई है, कहाँ पर समुद्र है, कहाँ पर सागर है, कहाँ पर झीलें हैं, सब के बारे में आपको क्लियर होता है। तो आप वो भी जरूर साथ में रखें, ऑक्सफोर्ड एटलस में रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा चलिए तो बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। सबसे पहली नदी की बात करेंगे, नर्मदा नदी जो कि भारत की पांचवी बड़ी नदियों में है, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है और ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। ये मध्य प्रदेश के लगभग 20 से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। वर्ष भर बहने वाली नदियों में से एक है ये नदी। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है, मेकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से अनूपपुर जिले से होता है। ये इसकी लंबाई की बात करें तो 13-12 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। अपवाह क्षेत्र इसका 98,795 वर्ग किलोमीटर है। 13-12 किलोमीटर ये टोटल यहां से लेके जो लास्ट है वहां तक बहती है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 10-77 किलोमीटर है। अगर आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो MPGK की जो सीरीज चल रही है वो भी आपको प्रोवाइड हो कर रहे हैं हम, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसमें लगभग 30 से ज्यादा चैप्टर, 35 चैप्टर के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका उपवा क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश में 87% अपवा क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश में। इसके अलावा 11.5% गुजरात में और 1.5% महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा इसका सीमा से होकर गुजरता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश से यहाँ पर महाराष्ट्र में थोड़ी सीमा टच करते हो गुजरात में और यहाँ पर खंबात की खाड़ी में, भड़ोच जो गुजरात का जिला है, भड़ोच के निकट खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। मैंने आपको पहले बताया है कि नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है और पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये नदी विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के बीच में से भ्रंश घाटी में बहती है। इसमें संगमरमर पत्थरों की प्रधानता है इसकी, इस घाटी में संगमरमर पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। भेड़ाघाट जो जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, वहां पर संगमरमर पत्थर पाए जाते हैं। ये पर्यटन स्थल में से प्रमुख है और ये नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। इसके किनारे बसे हुए शहरों की बात करें तो जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, महेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। मध्य प्रदेश में जो दो ज्योतिर्लिंग है, जैन के महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि खंडवा में, तो ये प्रमुख शहर है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो लगभग 41 छोटी बड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें से प्रमुख तवा, बरनेर, बैडिया, दूधी, हिरण, बरना, कोनार, माचक, शेर, बंजर, ऐसी नदियां हैं। इसके लगभग छोटी बड़ी 41 नदियां हैं जो कि यहां से यहां तक इसको जगह जगह पर इसमें मिलती ही रहती है। इसके अलावा इस पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ, सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा सागर बांध भी बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध जहां पर बना हुआ वहीं पर अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 382 मीटर जिसकी ऊंचाई है, 382 मीटर। उसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूज है, आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये गुजरात जिले में है सरदार सरोवर बांध, इस पर ही सरदार जी की जो सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। और इसके बाद नर्मदा नदी से रिलेटेड यहाँ पर जो इसके
जलप्रपात है, कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा, कंदरा जलप्रपात, इसके प्रमुख जलप्रपात है। अगली नदी की बात करें तो ये तापी नदी है, यानी ताप्ती नदी, जिसका उद्गम स्थल बैतूल जिले के मुलताई से हुआ है। बैतूल जिले के मुलताई से इसका उद्गम स्थल है। 722 मीटर की ऊंचाई से समुद्र तल से 722 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थल है। यहीं पर अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का 1057 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर लंबाई, और अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये 65,145 वर्ग किलोमीटर का इसका अपवाह क्षेत्र है। ये नदी सतपुड़ा और अजंता की जो श्रेणियां हैं उनके बीच में से प्रवाहित होती है। इसका 69% महाराष्ट्र में इसका अपवाह क्षेत्र है, 15% मध्य प्रदेश में, 6% गुजरात में। इस पर उकाई जल परियोजना बनाई गई है जो कि महाराष्ट्र में है। गोमती, पूर्णा, गिरना और चंद्रभागा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। गोमती, पूर्णा, गिरना और चंद्रभागा इसकी प्रमुख सहायक नदियां, और भी नदियां हैं लेकिन जो मुख्य नदियां हैं ये यही है। अगली नदी की बात करें साबरमती नदी, ये नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है, ये भी एस्टुरी का निर्माण करती है। इसके बाद साबरमती नदी की बात करें तो ये राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। राजस्थान जिले राज्य के मेवाड़ पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। 320 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई ये नदी अरब सागर में मिल जाती है। साबरमती नदी जो है इसके किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे प्रमुख शहर गुजरात के बसे हुए हैं, और एक बांध बनाया गया है इस पर, धरोई बांध, जिसके की विद्युत का उत्पादन किया जाता है गुजरात जिले में। अगली नदी है माही नदी। माही नदी भी जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है, फिर पूर्व पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 553 किलोमीटर है और धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी कि विंध्याचल पर्वत जो श्रेणी फैली हुई है, धार जिले में जो विंध्याचल पर्वत है वहां से इसका उद्गम स्थल है। और अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 34,842 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में से बहती हुई, और ये नदी अरब सागर में गिर जाती है। सोम और जाखम प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी की बात करें तो ये नदी विलुप्त नदी भी कहलाती है। विलुप्त नदी, एक तो सरस्वती नदी है वो भी विलुप्त नदी कहलाती है, लूनी नदी भी विलुप्त हो जाती है। सरस्वती नदी जो है ये पहले बहती थी, अब विलुप्त हो गई है। लूनी नदी जो है वो किसी भी समुद्र में या किसी भी नदी में नहीं मिलती है, ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। ये नदी अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिमी भाग से जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके नाग पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली श्रेणी पर्वत श्रेणियों के नाग पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। ये नदी 320 किलोमीटर प्रवाहित होकर, इस नदी का भी 320 किलोमीटर प्रवाहित होकर कच्चीकरण में विलुप्त हो जाती है। ये इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सरस्वती, जवाई, सूखड़ी, लीलड़ी और मीठड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। सरस्वती नदी जो है ये नदी अब विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी के बारे में ऐसा कहा गया कि सरस्वती नदी पहले इधर की साइड बहती थी, यानी कि पश्चिम की साइड बहती थी, लेकिन कई सालों में इसका मार्ग परिवर्तन हो गया, नदियों का मार्ग परिवर्तित होते रहते हैं। अगली नदी जो है वो शरावती नदी है। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से इसका उद्गम स्थल है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है शिमोगा जिला। और प्रसिद्ध गोरसप्पा जलप्रपात, इसको जोरसप्पा या गोरसप्पा दोनों नाम से बुलाया जाता है, दोनों नाम से प्रसिद्ध है, गोरसप्पा और जोरसप्पा, और ये भारत का भव्य जलप्रपात है। इसको जोग जलप्रपात भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 271 मीटर है। कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 253 मीटर भी दी गई है कुछ बुक्स में, 271 मीटर ऊंचाई है। भारत का भव्य जलप्रपात है ये गोरसप्पा या जोरसप्पा, जो कि शरावती नदी पर है। ये तीन चार जलप्रपात है उनसे मिलकर बना हुआ अलग अलग जलप्रपात है, और चारों को जोरसप्पा बोला जाता है। अगली नदी की बात करें तो घग्गर नदी है। घग्गर नदी शिमला के निकट शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। ये नदी अंबाला, पटियाला और हिसार जिलों में बहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर की लंबाई है और ये राजस्थान के गंगानगर जिले से प्रवेश करती हुई और हनुमानगढ़ के निकट ये नदी भटनेर के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। धनकर नदी भी विलुप्त हो जाती है। 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये अगर आप याद रखना चाहें तो अंबाला, पटियाला और हिसार जिलों में से ये नदी प्रवाहित होती है और राजस्थान में ये गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो ये थी प्रमुख नदियां, प्रायद्वीपी नदियां के बारे में बात करें तो और भी नदियां हैं, नेत्रवती, पेरियार, सावित्री और उल्लास जैसी नदियां जो कि पश्चिमी घाट के यहां से पश्चिमी घाट से बहकर से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। तो ये नदी भी कुछ है जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ स्थानीय नदियां, छोटी छोटी नदियां यहाँ पर पश्चिमी घाट से बहुत सारी छोटी छोटी नदियां निकली हुई है जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये नदियां थी, मुख्य मुख्य नदियां हैं, नर्मदा नदी हो गई, याद रखना इसके बारे में, ताप्ती हो गई, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, शरावती नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, इनके बारे में भी आप याद रखना और ये जो नदियां हैं इनके बारे में भी याद रखना। तो अब हमारे प्रायद्वीपीय नदियां है, फिर नदियों की बात करें तो नदियों वाला चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया है। हमने जितने भी 4-5 चैप्टर रहे हैं क्योंकि हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियों में 2 चैप्टर हुए हैं हमारे, तो 5-6 क्लासेस हैं। तो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आप जरूर देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम अगला चैप्टर की बात करें तो हम भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो जलप्रपात है उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर मिट्टी वगैरह जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी रेगुलर क्लास अब आती रहेगी। 5-6 दिन से कुछ क्लासेस में प्रॉब्लम हो गई थी, मोबाइल की कुछ प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके अलावा हमारी दूसरी क्लासेस, दूसरे सब्जेक्ट क्लासेस चल रही है वो भी अगर आप देखना चाहें तो उनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।